मटरी और समोसे होममेड, तो मटरी तो अभी बनी रही है, देख लो मटरी अभी बन रही है, तल रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा घुमा कर। गाइस हमने ना पता क्या किया, आटा गूंदकर, ठीक है, मटरी का आटा गूंदकर उसमें पता नहीं क्या क्या पड़ता है, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। तो ये हमने ऐसे पेड़े कर लिए हैं, आधे पेड़े बनाकर हमने ये देखे, ये बड़ी सारी है ना रोटी सी बनाकर यहाँ पर ऐसे तलती पीस काट कर, तो अभी हम पीस काटेंगे, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी मटरी रेडी है होममेड, तो बहुत टेस्टी है, मैंने खाई भी है। ये देखो ऐसे काट कर पीसेस में, स्लाइसेस में, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ना लाइन वाइज काट के फिर हमने इधर को काट लेनी है ऐसे, फिर हमने ना ऐसे उठा उठा कर यहाँ पे रख देंगे ऐसे, जैसे मर्जी रख दो, बाद में ये अकेले अकेले हो जाएंगे। ये देखो ऐसे हम रख देंगे, फिर हमको हमने इन कट्ठों को यहाँ पर तल देंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी, रख दिया यहाँ पे, तो अभी आपको मैं दिखा। तो गाइस हमने ना ऐसे गुच्छा बनाकर ऐसे यहाँ पे फेंक दिया, तो ये भी ऐसे खुल गई है बीच में से, देखो तो भी यहाँ पे ये ना एक थी, ये हमने बनाई है होममेड मटरी, बहुत टेस्टी लग रही है, तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ठीक है, तो भी मैं टेस्ट करता था तो बहुत बढ़िया थी, तो ये मेरी मम्मा बना रही है, ठीक है, तो उनको आता है सब कुछ। और यहाँ पे समोसों के आलू उबल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से गर्म बहुत है, ये देखो इसके हमने समोसे बनाने हैं बाद में, इसी आटे से, इसी पेड़े से मैदा डाल दूंगी थोड़ा सा, ठीक है, तो ये भी और भी खा लेते हैं ये। गाइस यार बहुत ज्यादा टेस्टी थी, तो क्या क्या डाला इसमें, आटा मैदा और सूजी थोड़ी सी और नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा और पानी थोड़ा सा, इसको मिक्सचर बना के आटा से जैसे हम गूंदते हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो वैसे ही हमने आटा इनका सबको गूंद के फिर हमने ऐसे पेड़े बनाकर पीसीस काट कर तल देने हैं तेल में, तो बहुत टेस्टी बनेगी आपकी। तो ये तो मैं अभी आपको मिलता हूँ 1-1.5 घंटे के बाद, क्योंकि तो मेरी अभी क्लास शुरू होने वाली है, तो क्लास लगा कर आपको मिलूंगी, तो तब तक के लिए बाय सी गाइस। अभी 1-1.5 घंटा हो चुका है, मेरी क्लास भी ओवर हो चुकी है, तो हमने ना यहाँ पर समोसों का जो स्टफ है अंदर का वो हमने रेडी कर लिया है, तो इसमें है प्याज और गोभी और क्या है और जो भी गरम मसाले होते हैं वो है इसमें, ठीक है, और यहाँ पर है आलू जो हम ऐसे ऐसे मैश कर रखेंगे, कद्दू मैश, हाँ तो ऐसे हम मैश करेंगे इनको, ऐसे 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 कर मैश करेंगे हम, ठीक है, तो मैं आपको मैश करके बताता हूँ। अभी दोस्तों हम मैश करने जा रहे हैं, तो मैं सभी मैश करता हूँ,
तो मैं सभी मैश कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सभी के सभी मैश कर दिए हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी घुमा। गाइस सभी के सभी मैश हो चुके हैं आलू, तो ये उबले आलू को हमने मैश किया है, तो ये भी हम पेस्ट है आलू से बनाए समोसे, तो भी हम समोसे का जो होती है ना समोसा जिससे बनता है वो हम रेडी करेंगे। गाइस अभी ना समोसों की रोटी बेल हो रही है, थोड़ी सी लंबी बेलनी है, हाँ लंबी टाइप ऐसे बेल देनी है रोटी बस, तो ऐसे बेल कर बीच में से काट लेनी है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, हाँ बस हाँ, तो ऐसे बेल कर ना बीच में से काट लेना। ये देखो ऐसे काट दिया, तो मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा। गाइस हमसे ना समोसे की जो शेप होती है वो बन रही नहीं, पता नहीं ये मैंने बना दिया कुछ ऐसे ही, इसमें आलू है तो ये बन गया मुझसे, तो अभी ये पता नहीं करो, तो ये अभी अच्छी सी बन गई है। चलो समोसा ही समोसा ना सही, इसमें आलू ही बस समोसा ही समझ के खा लेंगे। तो ये देखो अभी मम्मा बना रहे हैं मेरी, अच्छी बनाई है वैसे, अभी फिलिंग डाल दो इसमें, तो अभी ये फिलिंग डल रही है हाँ, तो हाँ इसको ऊपर से ऐसे बंद कर देने बाद में। ये वाला ये ना हमने पेस्ट बनाया है चिपकाने के लिए, ये ग्लू नहीं है, ये क्या क्या डाला है इसमें, मैदा, मैदे में थोड़ा सा पानी जैसे पेस्ट सा बनाकर चिपका दो ये इसमें, हाँ अच्छी तरह से ऐसे लगाकर, तो इसको ऐसे चिपका, ऐसे नहीं करते ना, थोड़ा और हाँ यार 2 मिनट ऐसे ऐसे कर दो ना ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। अभी यार इसको ना ऐसे नीचे रखो हाँ, तो हाँ ऐसे नहीं, ये देखो ऐसे इसको ऐसे कराटा मार दो तो ये बन जाएगा शेप। ये देखो भाई समोसा बन गया है, हमारी मेहनत रंग लाई, आधे घंटे से लगे हैं बना रही था, तो अभी ये बन चुका है, जल्दी से तल दो इसको, हम मैं खाने की वेट में हूँ। तो ऐसे करके ये आपकी अगर फीलिंग बाहर आएगी ना तो कोई बात नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, पानी लगा लेना तो ऐसे कोई बात तो ऐसे करके रख लेना, तो ऐसे 20-25 बना लेना अगर आपका मन कर रहा है तो, ठीक है। तो अभी मैं आपको सारे समोसे बनाकर दिखाता हूँ। तो गाइस अभी ना हम दूसरा समोसा बना रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा बड़ा बनाया है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था, तो हमने अभी दूसरा समोसा बनाया है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी ये लग रहा है ना समोसा असली समोसा लग रहा है अभी ये, हाँ इसमें फिलिंग भी ज्यादा पड़ेगी। तो गाइस अगर आपका भी मन हो रहा होगा खाने को तो दुकान से मत लेकर आना, कोरोना बहुत है, घर पे ही बनाकर खा लेना, बहुत आसान है पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ समोसा, ये खराब सा हो गया थोड़ा सा, थोड़ी सी फिलिंग निकालनी पड़ेगी यार, थोड़ी सी निकाल दो ना यार इसमें से, प्रेस कर दो नीचे। तो गाइस अभी ये समोसा बन चुका है प्रॉपर, पकड़ा ना। तो गाइस देखो रे समोसा बन गया प्रॉपर होममेड, खुल गया नीचे से, इसमें ना ये ज्यादा लगाना पड़ेगा फिर ये चिपकेगा, हाँ कराटा मार दो इसमें, सही है बिल्कुल सही समोसा बना है, दुकान वाले से अच्छा ही है,
वो थोड़ा बना देते हैं। तो अभी ये होममेड है, बिल्कुल प्रॉपर समोसा। तो अभी ये पहले वाला तल रहा है जो खराब बन गया था। तो अभी ये सेकंड सबसे स्मॉल और ये वीडियो सबसे बड़ा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में सारे समोसे का, सिर्फ मेरी शॉल दिखाएंगे बाद में आपको। अभी का सीन ये है कि मैंने अभी ना ये समोसों की दो समोसे खाए, मैंने बहुत टेस्टी थे, होममेड थे। तो अभी ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।